हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीधी रसोई से। आज हम बनाएंगे ग्रेट वाली सैंडविच। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, इनको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। और ये ऑयल फ्री रेसिपी है, इसमें कोई मतलब ऑयल का काम ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मैश कर लिया है और यहाँ पर डाल दिया है मैंने चॉप धनिया और चॉप टमाटर। और इधर मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप ग्रीन चिल्ली, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने बहुत ही बारीक कटा हुआ लच्छा जो प्याज का है वो इसमें ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा पिज्ज़ा का टेस्ट लेने के लिए ऑरिगेनो। यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑरिगेनो डाल दिया है और आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें चिली पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ा देगा इसका एकदम बढ़िया से। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 चम्मच भर के चिंग चाइनीज़। मैं इसको बहुत ही अच्छा तीखा बनाने वाली हूँ, आप चाहें तो इसमें से मिर्च का जो मैंने इंग्रेडिएंट जो डाले हैं मैंने, आप उनमें से स्किप कर सकते हैं। ग्रीन चिली है, चिंग चाइनीज़ है, ये सब इसमें से कुछ भी आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मैश करके बढ़िया मिला करके रख लिया है। और अब मैं इसमें असेंबल करूँगी ब्रेड के साथ में इसको, पेस्ट को। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पेस्ट को बिल्कुल भी बॉईल नहीं मतलब फ्राई नहीं किया है, कच्चा ही ले रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड स्लाइस पर रख दिया है मेयोनीज का, एक बड़ा भर के चम्मच। देखिए इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। और इसको स्प्रेड करने के बाद में हम दूसरी ब्रेड पे एक और स्प्रेड करके रख लेते हैं, जिससे जल्दी हो जाएगा। तो दो हमने मेयोनीज वाले ब्रेड तैयार कर लिए हैं और इसके ऊपर हम रखेंगे, ये हमने रखा हुआ है आलू का जो हमने भुर्ता बनाया था सैंडविच के लिए, तो वो हम इसमें अच्छे से ऊपर भर लेंगे दोनों ही ब्रेड के अंदर। और इसके बाद में देखते हैं अभी हम और इसके अंदर क्या लगाते हैं, क्या करते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको सब कुछ पता चलते जाएगा। आप स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि बहुत ही वीडियो जो बनाते हैं हम लोग तो बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, और कुछ भी चीज़ छूट जाए तो वैसे भी अधूरी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये ब्रेड स्लाइस के ऊपर जो मैंने आलू रखा है उसके ऊपर हमने एक चीज़ की पूरी स्लाइस जो आती है मार्केट से, तो वो पूरी की पूरी हमने लगा दी है। और देखिए यहाँ पे मैं एक दूसरी जो ब्रेड लिया मैंने उसके ऊपर रखने के लिए, तो उस पर मैं क्या लगा रही हूँ, मैंने चिंग चाइनीज़ का 1 चम्मच भर के उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और इसको देखिए मैंने इसके ऊपर से इस तरह से लगा दिया है। और अब हम इसको ग्रिल करेंगे। यहाँ पर मैंने ये छोटा ग्रिल करने वाला है मेरे पास, तो इलेक्ट्रिक आप इसमें कर सकते हैं। आपके पास ये नहीं है तो आप इसको ओवन में भी कर सकती हैं, और आप ग्रिल्ड के बजाय इनको नॉर्मल तवे पे भी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और यमी टेस्टी रेसिपी बनती है, और बहुत ही ग्रिल्ड वाले और नॉन ग्रिल्ड वाले सैंडविच तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको घी से ग्रीस कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो इनको मैंने ग्रीस करके ऊपर नीचे दोनों तरफ से ग्रीस करना होगा, दोनों तरफ ब्रेड अपनी कच्ची है, और लगा करके हम इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने पर इसमें रेड लाइट जलेगी और तब हमारा ब्रेड तैयार हो जाएगा ग्रिल्ड करके, तो इसमें दोनों लाइटें ग्रीन हो येलो हो जाएंगी। आप देखना थोड़ी देर में, 5 मिनट लगते हैं, बस 5 मिनट में ये ग्रिल्ड हो जाता है। ये देखिए दोनों लाइटें ग्रीन हो गई, येलो हो गई हैं, तो यहाँ पर ये तैयार हो गया है। ये मैं कप खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रिल्ड हो गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और आपको यहाँ पर कट करके भी दिखाती हूँ। इसमें इतने अच्छे से मेयोनीज जो चीज़ हमने डाला है स्लाइस, वो बहुत ही अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाती है, और मतलब अवन के जैसे ही बिल्कुल चीज़ को मेल्ट होने में इसमें अच्छा लगता है। तो चीज़ बहुत ही अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाती है। ये देखिए मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, चीज़ कितनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है कि बहुत ही अच्छे से। और ये देखिए चीज़ सैंडविच ग्रिल्ड वाली जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है, और आप इस एक बार ज़रूर बना कर देखें, ये रेसिपी बहुत ही शानदार है और बच्चों को टिफ़िन के लिए काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।